इसकी ऊंचाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ऊंचा है ये, तो इसका ये कहा होगा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो ये जो रास्ता जाता है ये जाता है रेनी की साइड, और अभी शाम का वक्त है, अगर वक्त ज़्यादा नहीं होता, वक्त का अभी तकाजा भी है, अगर हमारे पास वक्त ज़्यादा होता तो हम आपको इसी रास्ते से किले के ऊपर लेके जाते। ये रास्ता भी वैसे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, कोई ज़्यादा नीचा भी नहीं है, ये रास्ता भी बहुत ऊंचा है वैसे एक हिसाब से अगर देखा जाए। इसमें पहले ऊपर चढ़ना होता है उसके बाद फिर नीचे आना होता है मतलब, और यहाँ से देख सकते हैं अगर जैसे कोई धुन में चला आ रहा हो तो वो हो सकता है यहीं के आए, यहीं के ही आके, कई लोग ऐसे आते हैं आके भच्च से यहीं गिर जाते, और हमें यहाँ से जाना होगा। ये रास्ते भी देख सकते हैं कितने भयानक लग रहा है, ऐसा लगता है कि अभी टूट जाएंगे ये। चले आ जाओ, ये देख सकते हैं तो। और अगर मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के अगर मैं आपको कुछ बताऊं, ये देख सकते हैं हम वहीं आ गए जिसका मैंने आपसे कहा था हम लोग आपको ये रास्ता दिखाने वाले हैं। तो हम लोग यहीं आ चुके हैं, देख सकते हैं अब ये रहा किला। उस दिन जो हमने शॉट्स कैप्चर करे थे वो हमने इस जगह से करे थे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं अब यहाँ से देख सकते हैं सन का मतलब कि कुछ अलग ही क्या ही व्यू आ रहा है, माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से ये तालाब है, और यहाँ से मतलब विलेज का एरिया नहीं दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। ये देख सकते हैं यहाँ से ये कुछ और ये जगह भाई बोल रहा है ये जगह ठीक नहीं है, इस जगह के अंदर से भी इस जगह की भी हम आपको ज़्यारत करवाएंगे कि यहाँ पर क्या है। बाकी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल एकदम टूटता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है, इसके अंदर मच्छर ही काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अंदर तो खैर हम नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इसके अंदर जाने का। और यहाँ से नज़ारा थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है हम यहाँ से आपको दिखा सकें, और इंशाल्लाह हो सकता है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब वहाँ भी जाएं। बाकी आज तो वक्त का तकाजा है, आज तो नहीं जा पाएंगे हम, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली बार की। और यहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है, मैं आपको अल्ट्रा वाइड कैमरे से दिखा रहा हूँ अभी, और अगर मैं वाइड एंगल यहाँ से हमारे भाई की वीडियो ले कर दिखाऊँ तो देख सकते हैं आप बहुत कूल नज़ारा आता है यहाँ से। जी भाई, गाइस अगर सही बताऊं तो हमें यहाँ फ़ोटो खींचते खींचते कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए गाइस। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर गाइस वैसे तो मुझे अब जाने में भी यहाँ डर लग रहा है, अगर मैं इस तरफ से दिखाता हूँ आपको इस तरफ से गाइस, इंसान को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ के। देखिए हमने मतलब सोचा नहीं था कि यहाँ ये जगह ऐसी भी होगी। देखिए अगर यहाँ से बंदा कोई गिरता है, देखिए हम ये जो जगह दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये भाई खड़े हो गए थे, हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे और फ़ोटो भी हैं, मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ से अगर कोई बंदा गिरता है तो ये 25 से 30 फीट के अराउंड ये इसकी ऊंचाई है, बचने के चांसेस और बचने के चांसेस तो हैं, बाकी ये हड्डियाँ टूट जाएंगी बंदे की। और यहाँ से ये जो मैं पत्थर दिखा रहा हूँ आपको, इस पत्थर के ऊपर भी खड़े हो चुके थे, मतलब ऐसा लगा नहीं था, अगर लग जाता वहीं पर, अगर लग जाता ना ऐसा कि ये गिर सकता है तो मतलब कि यहीं से बंदा डायरेक्ट ही गिर जाता। और मैं अगर इसकी ऊंचाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ऊंचा है ये, तो इसका ये कहा होगा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। जैद भाई आसमान से गिरा, चीता फल में अटका, चीता फल बोलते हैं इस पेड़ को।
तो ये कहावत हम लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाती है कि आसमान से गिरा छीते फल के ऊपर अटका। आप देख सकते हैं क्या नज़ारे दिख रहा है यहाँ पर हमसे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इसके अंदर जगह है। अगर आप आए विज़िट करें यहाँ पर, बच्चे बैठे हैं देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये टाइम तो है नहीं है यहाँ अभी, इस टाइम तो अच्छे नज़ारे नहीं दिख रहा है, हो सकता है इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और अच्छा व्यू लेने की।